ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। आज का विषय हमारा है जो है इस आचार्यवाणी चैनल पर, वो है कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। सूर्य जाने वाले हैं मिथुन राशि में। सूर्य का मिथुन का जो परिवर्तन होता है विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सजग होकर काम करने की जरूरत है। एक तो होता है एम्बिशन और एक होता है ओवर एम्बिशन। एम्बिशियस होना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर एम्बिशियस जब व्यक्ति हो जाता है ना तो खासतौर पर परेशानी में फंस जाता है। इसलिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक चीज को प्राप्त करने के लिए जो लालसा है मन में होनी चाहिए, बिल्कुल सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन अपनी चादर अपनी सीमा को देखते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए खास तौर पे ये समय इस प्रकार का है, तो इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। जो सूर्य का परिवर्तन होने हुआ है विशेष तौर पर समझें कि सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में सूर्य का परिवर्तन होगा 15 जून को 18:16 पर यह परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के प्रभाव विशेष तौर पर आपकी राशि में बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये समय इस बात से समझ लें कि जिनके सपने ही बड़े नहीं होंगे वो क्या कुछ कर सकते हैं, जो सपना देखने जानते ही नहीं वो कार्य के लिए क्या ललाहित होंगे, जिनके मन में कुछ बड़ा करने की यदि उत्कंठा है ही नहीं तो उनके लिए क्या कुछ समान संसार में है। आपके मन में बहुत कुछ बड़ा करने का है, लेकिन बस बहुत ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में आप अपने इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि खास तौर पर कहीं अपनी सीमा से अपनी चादर से बाहर ना चले जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है इस समय में। विशेष तौर पर ये 30 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सावधानी से कार्य करने के हैं। यदि आप अपनी महत्वाकांक्षा को ओवर एम्बिशंस को खासतौर पे कंट्रोल कर पाए, अपने घुड़ों को लगाम में रख पाए, तो हमें दिखाई देता है कि यह आप समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। परिवर्तन के लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। तो यह समय आपके लिए खासतौर पे दिखा रहा है कि आपको कुछ खास क्षेत्रों में बहुत अच्छा सा लाभ प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ने के अवसर अच्छे मिल सकते हैं, और बाहर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं भाग्योदय होने के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। और साथ साथ देखिए सूर्य कहाँ जा रहे हैं, मिथुन राशि में। मिथुन राशि कहाँ पड़ती है आपकी राशि के अनुसार से आप समझें, आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि से सूर्य 12वें भाव में आ रहे हैं। 12वां भाव किसका भाव है? आपका 12वां भाव जो है वो बोला जाता है विशेष तौर पर पेनल्टी का, जुर्माने का, खर्चे का, इन सब भावों में का संबंध रखता है। सूर्य वहां जाकर कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ा देते हैं और व्यक्ति को कई बार हटी बहुत बना देते हैं। साथ साथ हटी के साथ साथ व्यक्ति के दृष्टिकोण से जीवन में ऐसा योग बन जाता है कि कई बार अननेसेसरी क्रोध, आपने जो सोचा है वही उसी डायरेक्शन में काम होने की जरूरत है। सपोज मैं ऐसा कह सकता हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सपोज आप समझे छुट्टियों के दिन चल रहे हैं और आप कहीं ऐसी जगह चल जाए कि जहाँ खेल खेल में जुआ इत्यादि चल रहा हो, वहां आप अपनी सीमा से बाहर जाकर भी दाव लगा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो व्यवसायी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है सावधानी के साथ काम करने की। आप देखें सौदे कितने बड़े होने हैं, कैसे हो रहे हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए विशेष तौर पे जो मिथुन राशि जो कर्क राशि संबंधित लोग हैं, इस समय में शेयर मार्केट में बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है। हल्की सी गलती कोई भयावह उठापटक के योग बना सकती है, तो इन सब चीजों को विशेष तौर पे बहुत सीमा को देखते हुए काम करें, बिल्कुल बैलेंस होकर काम करने की जरूरत है, अन्यथा कई प्रकार के कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। और हर चीज को रूल्स को फॉलो करते हुए काम करने की जरूरत, अन्यथा राज्य दंड के भागी आप बनते दिखाई दे रहे हैं इन खासतौर पर ग्रह योगों के अनुसार से। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का किसी भी कारण से बड़े लोगों का विरोध ना करें, बैलेंस होकर। अगर देखिए पंचों की राय शर्मा, एक पुरानी कहावत है कि पंचों की राय शर्माते, नाला जहां गिरना है वहां गिरी। देखिए सामने विरोध क्यों, आपका जो कार्य करने का प्रवास है उसको विशेष तौर पे आप करने का प्रयास करें, लेकिन सब लोगों के विरोध में जाकर कि मैं देख दिखा के कि ऐसा आप खासतौर पे इगोइस्टिक हो जाए कि मैं दिखा के करूंगा कि काम कैसा करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में खासतौर पे आपको कर्क राशि वालों सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है।
धन खर्च होने के ज्यादा योग दिखाई देते हैं। ऐसे में आपके हाथ से कुछ धन खर्च होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। छुट्टियों का समय चल रहा है और विशेष तौर पर ऐसे में कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बन जाए तो खासतौर पर कहीं बियॉन्ड जाकर खर्चे करने के योग बन जाए तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ खास उपाय हम आपको बताएंगे जरूर जिसके द्वारा आप अपने इस समय को परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसे में कोशिश ये करें कभी कभी इस खास चीजों को नोट कर लें। ये नोट करके रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको विशेष तौर पे बड़ा उन्नति के योग बनाने वाले हैं, लाभ के योग बनाने वाले हैं। ऐसे में आपको एक खास बात रखने की जरूरत है, अन्न का दान, वस्त्र का दान। कभी कभी अन्न का दान कर दिया अपने हाथ लगाकर, वस्त्र का दान कर दिया, किसी दिन दूध का दान कर दिया, किसी दिन दही का दान कर दिया। यदि ये सब कर पाएं तो इसके द्वारा आपके समस्त कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दें। तो कर्क राशि वालों इस बात को खास तौर पे आप समझ रहे। तो ये जो मिथुन में प्रवेश सूर्य महाराज 30 दिन के लिए करने जा रहे हैं, 15 जून को गुरुवार के दिन प्रदोष के दिन शाम को करीब करीब 6:16 पर ये योग बनने वाला है और उसके बाद 30 दिन तक इसी राशि में भ्रमण करेंगे, आपके 12वें भाव में चलेंगे। और ये 12वें भाव के कारण से कई प्रकार के जो योग बनेंगे, समाज में भी आप ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगे कि लोगों ने आपको साइडलाइन करने का योग बना रखा है। कोशिश करें आपने इस बार का मनोभाव में न लाने दें। लोग योग बन सकते हैं तो आप खुद जाकर थोड़ा सा रिजर्व की जो आपकी नेचर है उससे बाहर निकलकर लोगों से मिलने का प्रयास करें। नहीं तो आपको साफ कई बार दिखाई दे सकता है कि लोगों ने आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी कारण से आपके मनोमस्तिष्क के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा आपके अपने लोगों का विरोध आप ना करें। कहीं ना कहीं आपके मन के द्वारा कई प्रकार से कोई आपको समझाने का प्रयास करे और आप समझे ना और उस समय में आपके जीवन में विरोध के भाव उत्पन्न हो जाए तो वो भी आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। कभी कभी एक काम करें, रविवार के रविवार थोड़ा उपवास कर लें, ये सबसे बढ़िया उपाय है। रविवार के रविवार भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए, हर वैसे तो हर रोज जल नहीं दें भगवान सूर्य को, लेकिन रविवार के दिन विशेष तौर पर एक काम करें कि जब भगवान सूर्य का निमित्त थोड़ी देर के लिए यानी एक समय का भोजन त्याग दें और शाम को जब भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको अर्घ दें, दोबारा शाम को भी अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को, शाम को भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए जब उनको अर्घ दिया दें तो एक काम विशेष तौर पर करें। कई लोगों के मन में भ्रांति है कि सूर्य को शाम को अर्घ नहीं दिया जाता है। नहीं, भारतीय संस्कृति में संध्या वंदन शाम को जब किया जाए तब भी सूर्य को अर्घ देने की व्यवस्था है, तो इस बात को चिंता ना करें। शास्त्र प्रमाणित है, वो आप सब करें तो बिल्कुल कल्याणकारी योग बनेंगे। शाम के समय भी, सुबह भी अर्घ दें, शाम को भी अर्घ दें और उसके उपरांत प्रसाद स्वरूप 2 काली मिर्च अवश्य का भक्षण कर लें और उससे क्या होगा कि आपके सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे दूर होने के योग बनेंगे। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत सुंदर परिवर्तन के योग बनेंगे। ये समय ओवरऑल हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि सूर्य किस प्रकार से आपकी राशि के अनुसार से योग बनाने वाले हैं, तो ऐसे में थोड़े खर्चे को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो आपके द्वारा ऐसे समय में कुछ ज़्यादा धन खर्च होने के योग दिखाई देते हैं। यात्राओं का कार्यक्रम बनता दिखाई दे रहा है और विशेष तौर पर उनमें भी कई जगह व्यर्थ रूप से धन खर्च होने के योग बन सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा अपने स्वभाव को थोड़ा न्यूट्रल रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा थोड़ा सा स्वभाव जो है वो क्रोधी ज़्यादा हो सकता है। और आपके विचारों में एक बात और खासतौर पर दिखाई देती है कि ट्यूबलाइट की तरह विचार कार्य कर सकते हैं। कार्य हो जाने के बाद विचार मन में आएगा, यानी एकदम जैसे बल्ब जल जाता है तुरंत विचार कार्य सामने घटने के साथ साथ विचार सामने आ जाता है। यहाँ ऐसा दिखाई देता है कि थोड़ा सा बुद्धि लेट काम करने के योग बनाती है। तो इसका रास्ता क्या है, इसको ठीक करने का रास्ता यह है कि एकदम किसी को भी कोई जवाब ना दें, थोड़ा सा विचार कर लें, उसके बाद अपने विचार को बोले सोच के जवाब देता हूँ। यदि ये उपाय आप प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करेंगे विशेष तौर पर कर्क राशि वालों, तो अवश्य ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए भी जितना थोड़ा जो खराब दिखाई दे रहा है उसको आप ठीक कर पाएंगे। हमारा प्रयास है कि ज्योतिष को वास्तविक रूप में हम समझाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग ज्योतिष को केवल टोटकों के साथ चलने का प्रयास करते हैं। हम ज्योतिष को वास्तविक तौर पर स्वभाव को समझते हुए, ग्रह को प्रभाव को समझते हुए, आपकी राशि पर क्या प्रभाव कर रहे हैं, मनोमस्तिष्क पर क्या उसका प्रभाव होने वाला है, उसके अनुसार से कैसे आप छोटी छोटी चेंजेस जीवन में लाकर अपने विचारों को पॉजिटिव कर आप परिवर्तन से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपने ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं, ये सब समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आप अवश्य इन सब विचारों को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे। और व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन ना लें, बहुत प्रैक्टिकल होकर काम करने का प्रयास कीजिए और रिस्क वाले काम इस महीने आपको नहीं करना चाहिए सूर्य महाराज, अन्यथा आपकी कीर्ति में, आपके थोड़े से ऐश्वर्य में कहीं ना कहीं दाग लगाने का प्रयास कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें इन विचारों को हमने जो समझाने का प्रयास किया है बहुत अच्छे से समझ लें और यदि कोई खास बात हो तो आप
हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है और उन पर अपने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजकर या प्रैक्टिकल विवेकानंद योगाश्रम में आकर लाभ लें। धन्यवाद।